गजब की जगह। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और भाई लोगों, आप देख रहे हो मेरे पीछे हरियाली। तो भाई मैं आया हुआ हूँ बहुत ही ज़बरदस्त जगह। जगह का नाम है भाई विटली कोर्ट। अगर आप यूके में रहते हो तो भाई समर, जिस दिन भाई यहाँ पे सन निकला हो, सन साइन हो, गजब क्लीन वेदर हो, यहाँ पे आपको ना आना चाहिए। भाई वूस्टर के पास में है विटली कोर्ट, अगर आप टाइप करोगे, मैं डाल दूंगा इधर, भाई ज़रूर विजिट करो। 10-12 पाउंड की टिकट है, गजब जगह है, एकदम हेरिटेज टाइप, मतलब फोर्ट है। और भाई मैंने इसके बारे में पढ़ा है, कहीं हिस्ट्री के बारे में, ये जब लास्ट टाइम बिका था तो किसी ने इसने 8-10 लाख पाउंड में इसको खरीद लिया। और इतना बड़ा महल है भाई, बहुत फेमस जगह है, और ये शायद कुछ किंग से भी रिलेटेड करता है। तो आपको यहाँ पे आज पूरी विजिट करवाते हैं, बहुत शानदार जगह है। भाई एक नंबर की जगह है, एंट्रेंस में ही भाई मज़ा आ गया। पीछे देख रहे हो पानी, इतनी मस्त हवा चल रही है गर्मी के अंदर। गर्मी तो नहीं है, ठीक ठाक मौसम है, कोट पहन रखा भाई, ठंडी हवा चल रही है। गजब प्यारी जगह, गजब। आओ भाई, बिल्कुल आओ। तो भाई लोगों, ये वाला वो महल है, काफ़ी फेमस यहाँ पे। और क्या लोकेशन है भाई, पीछे है रिवर, यहाँ से आप भाई व्यू ले सकते हो और बोट राइडिंग भी कर सकते हो यहाँ से, गजब लोकेशन। तो भाई गर्मियों में आने का ही यहाँ पे बेनिफिट है, बहुत प्यारी जगह लगती है। तो चलिए भाई अब अंदर चलते हैं। तो भाई जैसे ही धूप निकलती है ना भाई, अलग ही रौनक आ जाती है, इसीलिए बोलता हूँ मौसम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई यूके में, अदरवाइज भाई इतना मज़ा नहीं है। ऐसे अंधेरा सा डरावनी सी जगह लगती है सब। तो कभी भी आओ घूमने निकलो, धूप बहुत ज़रूरी है भाई। लोग पता नहीं कितना पुराना ये 1600-1500 ईस्वी में भाई बना हुआ है, बहुत ही पुराना महल है भाई। और ये भाई लोग यहाँ का चर्च था, इसके अंदर फोटोग्राफी वगैरह अलाउ नहीं थी। लेकिन एक कमाल की चीज़ आपको बताता हूँ भाई लोगों, ये इतने पुराने हैं, जैसे इंडिया में भाई जो भी अपनी हिस्ट्री है, फोर्ट महल है, कुछ का तो भाई संभाल के रखा है, बाकी के भाई तहस महस कर रखे हैं। जैसे हमारे जयपुर में भाई बहुत तगड़ी तगड़ी महल है, आमेर फोर्ट हो गया, इतना मेंटेन नहीं किया हुआ। लेकिन यहाँ पे लोग भाई इतना मेंटेन करके रखते हैं ना, तो हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा, एकदम साफ सफाई, जैसे आप अभी वीडियो में देख रहे हो, बहुत ही मेंटेन। भाई गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, यहाँ के लोग हैं वो भी डोनेशन वगैरह चैरिटी वगैरह करते हैं, और भाई बहुत ही सुंदर तरीके से मेंटेन करके रखे हैं, बिल्कुल कूड़ा गंदगी कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे, आप वीडियो में भी देख सकते हो। तो भाई मेरा बोलने का मतलब ये है कि हमारी जो सरकार है और जो अपने इंडियन लोग हैं भाई, अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो हमारी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं उनको भाई हम संभाल के रखें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा संभाल के रखा जाता है। और जैसे एक आपको बात बताता हूँ, यहाँ पे घर वगैरह जितने पुराने होते हैं भाई, उनकी उतनी ही ज़्यादा कीमत होती है, डजेंट मैटर कि वो खेतों में बना हुआ या कहाँ है। जैसे कंपेयर करो कोई नया घर, वो 2-4 लाख पाउंड में आपको मिल जाएगा, लेकिन जो पुराना है, मान लो भाई 100 साल पुराना घर है, उसको आप बाई करना चाहते हो भाई, 4-5 गुना 20-25 लाख पाउंड तक की भाई यहाँ पे प्राइस होती है पुराने घरों की। तो यहाँ पे जो पुरानी चीज़ें हैं, एंटीक आइटम है भाई, उनकी बहुत कदर करते हैं लोग, बहुत वैल्यू है। तो हम इंडियंस को भी भाई करनी चाहिए, क्योंकि हमारा भी भाई हिस्ट्री बहुत पुराना है, और हमें भी भाई संभाल के रखनी चाहिए, हमारी हिस्ट्री से हमें प्यार करना चाहिए, यही बोलूँगा भाई। तो भाई ये आ गए हम इस महल के प्रांगण में, और भाई ये इस साइड है इसकी फ्रंट एंट्रेंस। भाई एक नंबर की हरियाली, काश ऐसा घर मेरा होता तो मजे आ जाते। अल्टीमेट भाई लोगों, जब ये नया हुआ करता था तो भाई इस टाइप से कुछ हुआ करता था ये।
बहुत प्यारी जगह है भाई लोगों, बहुत ज्यादा प्यारी, मजा आ गया माँ कसम। बस खाना पीना लाओ, यहीं बैठे रहो भाई, मतलब मजा आ जाए। मेरी इच्छा भी यही भाई, ऐसा ही घर होना चाहिए, खुला खुला, और ऐसे भाई साहब राउंड अबाउट, ऐसे लंबा चौड़ा घर हो, खेतों में इसकी भैंस की आंख बैठे रहो, मजे ही मजे, भैंस की आंख रेंज रोवर चल रही है, रोल्स रॉयस चल रही है, भैंस की आंख मजे ही मजे, और क्या ही चाहिए फिर। 50-60 नौकर काम कर रहे हैं, 15-20 करोड़ भैंस की आंख साल के आ रहे हैं, भैंस की आंख मजे ही मजे, और क्या चाहिए भाई, गजब जगह है यार, एक नंबर माँ कसम। ये देखो आप फाउंटेन भाई, एक नंबर, यही लगवाऊंगा सेम भाई घर के अंदर, एक नंबर, मजे ही मजे भाई, एक नंबर। और ये सामने भाई अपना मकान, भाई पहली बार देखा इंग्लैंड इतना सुंदर भी होता है, मजे ही मजे। तो भाई ये है पूरा व्यू मेरे पीछे, देखो फाउंटेन, और ये है भाई मैन फोर्ट, और भाई क्या प्यारी लोकेशन है, मेरे को तो मजा आ गया भाई, मैं पहली बार आया हूँ, पहले मेरे दोस्त यार यहाँ पे आ चुके हैं, मैं पहली बार आया हूँ, पैसा वसूल है भाई, 10-12 पाउंड की टिकट थी, 3-4 पाउंड भाई पार्किंग के लिए, बहुत प्यारी जगह है, आओ यहाँ पे इंजॉय करो, और जब भी यहाँ आओ, अगर ये वीडियो देख के अगर आ पा रहे हो तो भाई कमेंट करके मैसेज ज़रूर करना कि भाई क्या जगह बताइए, ऑनेस्टली आओ, फैमिली के साथ आओ। तो भाई अगला टारगेट है अपना ये फाउंटेन के पास, क्या प्यारा व्यू आ रहा है, गजब का पानी यहाँ पे फूद रहा है, एकदम मस्त। तो भाई लोगों ये है भाई इसका फ्रंट, भाई गजब का, और भाई ये जो महल जो बनाया इन्होंने 4 फेज में बनाया भाई, पहले बीच की बिल्डिंग, फिर साइडों की, फिर आगे का, और फिर और साइड का, भाई क्या गजब का व्यू है यार। भाई लोग यहाँ के तो मधुमक्खियाँ देखी आपने, कैसी अजीब की, बहुत बड़ी है भाई, अपने वाली जैसी तो मधुमक्खी नहीं है यहाँ पे, बच के रहे ना बाबा। तो भाई लोग लो चलो अभी आपको लेके चलते हैं भाई अंदर। ये भाई अंदर का व्यू कुछ ऐसा है, तो भाई ये है एंट्रेंस हॉल, ये कोई टाइम में भाई ऐसा हुआ करता था, एकदम फर्स्ट क्लास चेयर वगैरह, छत वगैरह, झूमर सब, लेकिन अब भाई ये ऐसा हो गया, छत वत कुछ नहीं है भाई, बहुत पुराना यार, 500-600 साल पुराना, तो सब कुछ भाई इसका गायब हो गया, लेकिन वाकई में जिस बंदे ने भाई ये जगह चुनी ना महल बनाने के लिए, जो भी अपना घर वर जो भी इसने बनाया, फोर्ट, गजब की प्राइम लोकेशन चुनी है भाई, एक नंबर की बोलूँगा, प्यारी है, बहुत शानदार। और भाई क्या प्यारा व्यू आ रहा है ऊपर से,
तो भाई लोगों इस व्लॉग को करते हैं यही एंड। भाई जगह पसंद आई, अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना, और भाई जगह का नाम है विटलिको, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, डेफिनेटली विजिट करो भाई, एक नंबर की जगह है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में भाई, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।